Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द है सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, धर्म से निरपेक्ष, अर्थात उस स्थान पर या उस देश पर कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर दूसरे लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। सामान्यतः हमारी इस धरती पर, हमारी इस पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे लोग हैं। इन सारे बहुत सारे लोगों के अपने अपने धर्म हैं। बेसिकली मूलतः कुछ विशेष धर्म हैं जो अधिकतर दुनिया के लोग मानने वाले हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा का मतलब है सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा उपासना किए जाने वाला या सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा माना जाने वाला धर्म क्रिश्चियनिटी है। उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म मुस्लिम धर्म, उसके बाद दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा धर्म हिंदू धर्म, उसके बाद बहुत सारे धर्म आते हैं मानने वाले, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, बहुत सारे और भी धर्म हैं, और भी छोटे छोटे बहुत सारे धर्म दुनिया में हैं। तो दुनिया के जितने लोग हैं, अलग अलग देशों के लोगों का धर्म अलग अलग है। धर्म एक ऐसा विचार और एक ऐसा पद्धति होता है जिसमें लोगों की आस्था होती है। धर्म आस्था का चीज़ होता है। धर्म कोई ऐसा तार्किक चीज़ नहीं होता है कि कोई धर्म है तो वह यूनिवर्सल ट्रूथ है या सही हो। ऐसा भी नहीं कि किसी धर्म में कुछ बातें दिया गया है तो वह बिल्कुल सही होगा या वह सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं भी हो सकता है। धर्म एक व्यक्तिगत चीज़ है, एक आस्था का चीज़ है। किसी के धर्म में कुछ गलत बातें भी हो सकती है, लेकिन यह धर्म विश्वास पर आधारित होता है। विश्वास और आस्था पर आधारित एक विचार और पद्धति, एक ढंग, एक जीने का ढंग, अपने आप को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने का ढंग या उनका एक संस्कृति, ये अपने अपने चीज़ है। ये विश्वास और आस्था की चीज़ है, ये कोई तार्किक चीज़ नहीं है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। तो धर्म यही होते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता में एक समुदाय या एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करता है। अपने धर्म को भी वे मानते हैं जिस धर्म को वो मानना चाहे। इसके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं, चाहे वे लोग उसी के राज्य के रहने वाले हों, उसी के देश के रहने वाले हों या किसी दूसरे देश के रहने वाले लोग हों, समान तौर पर यह देखा जाता है कि अपने ही देशों में, अपने ही राज्य में अलग अलग धर्म के मानने वाले, अलग अलग धर्मों के उपासना करने वाले लोगों के साथ दूसरे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो लोग अपने धर्म को सम्मान देते हैं, इसीलिए उसे मानते हैं और वो अपने आप को, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं। कभी कभी दूसरे से भी श्रेष्ठ समझ लेते हैं, अधिकतर आदमी ऐसा करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति उसी धर्म में पैदा लेते हैं और वे अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। बहुत सारे ऐसे विचारक और लोग होते हैं जो अपने ही धर्म का आलोचना कर रहे हैं, आलोचना किए हैं, जिन्होंने अपने धर्म में कुछ बुराइयां देखी हैं। दूसरे धर्म के मानने वाले लोग जो होते हैं उनका सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता हमें सिखाता है। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा करने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग देशों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। अलग अलग देशों में किसी खास धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, किसी दूसरे धर्म को मानने वाले लोग उससे कम हो सकते हैं, या दूसरे धर्म को मानने वाले लोग नहीं हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि दूसरे धर्म को मानने वाले लोग अल्पसंख्यक हो, बहुत ही कम लोग हो। बहुत तरह की परिस्थितियाँ हो सकती हैं। तो धर्मनिरपेक्षता में होता है दूसरे धर्म को भी हम सम्मान देते हैं, लेकिन क्या यह सही है या सच्चाई है?
धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म को दुनिया के सारे देश के लोग मानते हैं। दुनिया के सारे देशों में धर्म निरपेक्षता है। आज हमारे आधुनिक समय में या मध्यकालीन समय में भी या 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी या प्राचीन काल में क्या धर्म निरपेक्षता था, तो ऐसा सही नहीं है। अभी भी संपूर्ण दुनिया में संपूर्ण देश में या एक ही देश में कहा जा सकता है कि धर्म निरपेक्षता की समझ अलग अलग है और सभी जगह धर्म निरपेक्षता का पालन एक जैसा नहीं होता है। धर्म निरपेक्षता का मतलब दूसरे धर्म को भी उतना ही सम्मान देना या न्यूट्रल रहना, दूसरे धर्म के लोगों को टॉर्चर नहीं करना, प्रताड़ित नहीं करना, दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को नीचा नहीं दिखाना, उसे भी उसके धर्म को मानने का आज़ादी देना, स्वतंत्रता देना। दूसरे भी धर्म के लोग अपने आराध्य या कुल देवी देवता का पूजा कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना वस्त्र धारण कर सकते हैं, अपना संस्कार रीति रिवाज रख सकते हैं और पूजा पाठ त्यौहार मना सकते हैं। दूसरे के धर्मों में अड़ंगा नहीं लगाना, उसको नीचा नहीं दिखाना, ये सब धर्म निरपेक्षता की परिभाषा है। हम एक एग्जांपल देख रहे हैं अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जैसे वहाँ के अधिकतर जो लोग हैं, जो अधिकतर मानने वाले धर्म हैं, वो क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले वहाँ अधिकतर लोग हैं। ये अलग वाली बात है कि अमेरिका में भी धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया है, वहाँ भी डेमोक्रेटाइजेशन लोकतांत्रिक पद्धति है और जिसमें से लोगों को हर लोगों का अधिकार दिया गया है। कानूनन अमेरिका में भी सभी व्यक्ति अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं, लेकिन कभी कभी व्यवहार में, इतिहास में देखा गया है कि वहाँ पर भी जो ये बहुसंख्यक हैं, मेजोरिटी में जो ज़्यादा लोग हैं, क्रिश्चियनिटी मानने वाले लोग हैं, ये लोग कभी कभी अल्पसंख्यक धर्म के मानने वाले लोग वहाँ पर अमेरिका में हैं, जैसे मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग या और भी धर्म को मानने वाले लोग हैं। इनके साथ वहाँ कभी कभी दुर्व्यवहार या इसके साथ कभी कभी नीचा व्यवहार या इसका तिरस्कार या अवहेलना कर दिया जाता है। इन्हें नीचा और छोटा समझा जाता है। धर्म के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाता है। अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों पे इनके साथ भेदभाव किया जाता है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है। और इस तरह का परिस्थितियाँ अमेरिका में भी होने के कारण वहाँ पर भी बहुत सारे आंदोलन हुए धार्मिक स्वतंत्रता के लिए भी, और इस पर विचार किया गया। जैसा कि हम लोग देखते हैं अमेरिका में स्कूलों में भी कभी कभी भेदभाव देखने को मिलती है, और अमेरिका में स्कूलों के बच्चों को प्लीज ऑफ एलिजियंस एक प्रार्थना अमेरिका में होती है। इस प्रार्थना के माध्यम से बच्चों में यह संस्कार दिया जाता है देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, प्लीज ऑफ एलिजियंस, राष्ट्रभक्ति को निर्माण करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए यह प्रार्थना अमेरिका में शुरू किया गया था। लेकिन बाद में बहुत सारे जो लोग हैं यह कहकर इस शब्द को अमेरिका में चुनौती दिए कि यह शब्द से किसी खास धर्म या धार्मिक शब्द की अभिव्यक्ति होती है। तो वहाँ पर भी देखा गया कि धर्म पर विभिन्न प्रकार के लोगों का विभिन्न प्रकार का विचार और मत है। फिर बाद में अमेरिका में यह विचार हुआ कि धर्म अमेरिका में राज से अलग चीज़ होगा, अर्थात धर्म राज्य की विषय वस्तु से एक व्यक्तिगत चीज़ होगा, ये अलग चीज़ होगा। अर्थात अमेरिका में राज किसी भी धर्म पर हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म जो है राज पर अपना प्रभाव नहीं डालेगा। धर्म अलग होंगे और अमेरिका की राजनीति अलग होगी, और इस बात पर जोर दिया गया संपूर्ण डिवीज़न बिटवीन द पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिलीजन ऑफ द पीपल ऑफ देयर। तो वहाँ पर बिल्कुल ही डिमार्केशन, विभाजन धर्म और राजनीति
को बिल्कुल अलग कर दिया कि एक दूसरे पर बिल्कुल ही ये हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यह बात पर वहाँ पर सहमति हुई है। धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं, सऊदी अरब में भी देख रहे हैं, वहाँ पर सऊदी अरब में जो गैर मुस्लिम लोग हैं, चाहे वह हिंदू हो, उन्हें मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं है। क्रिश्चियन है, उन्हें गिरजाघर बनाने की इजाज़त नहीं है। या और भी कोई धर्म है, उन्हें अपने उपासना ग्रह, उपासनालय या अपने मंदिर इत्यादि गिरजाघर बनाने का उन्हें वहाँ पर इजाज़त नहीं है। केवल अपने ही धर्म वालों को वहाँ पर इजाज़त दिया गया है। तो इस प्रकार का सिचुएशन हम सऊदी अरब में देखते हैं। दुनिया के और भी बहुत सारे देश हैं, वहाँ धर्म के मामले में अलग अलग हम लोग देखते हैं। फ्रांस में भी देखते हैं, 2004 में कानून बनाया गया कि वहाँ फ्रांस में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर या संस्था में दूसरे धर्म के लोग या दूसरे धर्म के प्रतीक चिन्हों को पहन के वहाँ पर नहीं आ सकते हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोग क्रॉस को पहन कर नहीं आ सकते हैं, या दूसरे धर्म के लोग कोई पगड़ी पहन के नहीं आ सकता है, या किसी भी प्रकार का धार्मिक चिन्ह को नहीं धारण कर सकते हैं। मसलन कोई पगड़ी पहन के नहीं आ सकता है, या और भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, अपने धर्म का प्रतीक रूप वहाँ पर नहीं आ सकते हैं। इस पर भी वहाँ पर आंदोलन हुआ और बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाया कि हमें इसका इजाज़त मिलना चाहिए, क्योंकि 1960 के दशक में ऐसा देखा गया है कि फ्रांस का जो उपनिवेश थे, बहुत सारे उपनिवेश अफ्रीकन कंट्रीज़ में और एशियन कंट्रीज़ में, जैसे फ्रांस का बहुत सारे उपनिवेश मोरक्को, इस तरह से देशों में थे, और यहाँ पर फ्रांस के जो लोग आए थे, बाद में चलकर वहाँ पर जो बस गए, वहाँ पर शादी विवाह किया और बहुत सारे लोग फिर फ्रांस लौट आए और फ्रांस में वहाँ पर बसे, तो अपने ही पुराने जो पीछे के जो जिस देश से आए थे वहाँ के धर्मों को, रीति रिवाज को साथ लेते आए और फ्रांस में रहे। तो बाद में चल के 2004 में जब यह कानून बना तो इन्होंने यह कहकर विरोध किया कि हम भी अब इस देश का नागरिक हैं और हमारे साथ इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दुनिया के बहुत सारे देशों का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, लेकिन क्लास में हम लोग ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, ताकि एग्जाम्पल का ज़्यादा बोझ नहीं दिया गया है। तो ये सारे कुछ देश थे जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धर्मनिरपेक्षता की धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा या धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार का है, या धार्मिक रूप से या अलग अलग धर्मों के बीच किस प्रकार की राज की व्यवस्था है, किस प्रकार का नीतियां हैं, या किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। वहीं हम लोग इन सारे देशों के विपरीत हम लोग भारत में देखते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखते हैं कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है। सामान्य अर्थों में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा, अपने धर्म को हम मान सकते हैं भारत के संदर्भ में, और दूसरे भी धर्म के लोगों को हम उतना ही सम्मान देते हैं, या दूसरे के धर्म के प्रति हम न्यूट्रल रहते हैं, चाहे दूसरे के धर्म को हम पसंद करें या ना पसंद करें। भारत में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा इस प्रकार की है कि भारत के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता का अधिकार भी लोगों को दिया गया है। हमारे भारत संविधान का मूल तत्वों में से एक तत्व, हमारे भारत संविधान की प्रस्तावना में भी सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? जैसे भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और भी बहुत सारे धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं। बहुत सारे लोग भारत में जिनका मेजोरिटी जो बहुसंख्यक में है, जो अपने धर्म को मानते हैं, और ऐसे भी धर्म के लोग हो सकते हैं भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, जिन धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या और भी अल्पसंख्यक धर्म हैं।
कोई भी धर्म हो सकते हैं। तो भारत में सभी धर्मों के लोग जो हैं आपस में मिलजुल के रहेंगे और सभी धर्मों को भारत में लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी और स्वतंत्रता है। भारत के लोकतंत्र में धर्म निरपेक्षता की परिभाषा क्या है? यद्यपि धर्म निरपेक्षता का मतलब राज्य धर्म से अलग होगा, धर्म राज्य से अलग वस्तु का चीज़ होगा, धार्मिक भावना धार्मिक विचार लोगों का व्यक्तिगत चीज़ होगा, लेकिन भारत में धर्म निरपेक्षता की परिभाषा यही है कि भारत में राज्य सरकार या कानून किसी भी धर्म पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, सभी धर्म को मानने की आज़ादी होगी, सभी धर्मों को अपने अपने धर्म को बढ़ाने का छूट होगा, अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मान सकते हैं, अपने कल्चर को धार्मिक कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन भारत में भारत का संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी खास धर्म को भारत सरकार बढ़ावा नहीं देगी, भारत के संविधान किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, वहीं पर किसी भी अल्पसंख्यक लोगों को या छोटे धर्म जिनके अनुयायी या जिनको मानने वाले की संख्या कम है उन्हें भी हतोत्साहित नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि धार्मिक स्वतंत्रता होने के बावजूद भी भारत में सभी कोई अपना अपना धर्म को मान सकता है। इस टॉपिक में इतना ही, हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ AKS3 सेंटर मिस्टर अशोक कुमार शर्मा, जय हिंद।